हाय नमस्ते, आप सब लोग कैसे हैं? मैं बहुत दिन बाद कैमरा के सामने आई हूँ। बीच में थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं था, क्या बात करूँगी ऐसे सोच के ब्लॉगिंग कुछ ऐसे नहीं दे रही थी। आज थोड़ा निकले हैं डे टाइम में बाहर, वेजिटेबल्स भी लाना है और ऐसे ही थोड़ा बाहर खा के आ जाएंगे। ये लास्ट सैटरडे संडे तो वेदर यहाँ का अच्छा नहीं था, उस दिन प्लान किए थे बाहर जाने का। आज ओम हमारे साथ नहीं आया है, उसका आज मैथ्स एग्ज़ाम था, हाफ एन आवर एग्ज़ाम चला, उसके बाद उसको ट्यूशन लेके छोड़ के आई हूँ। 12:30 तक ट्यूशन है, वो आके पूछेगा मम्मी पापा कहाँ गए हैं। आप सब कैसे हैं? सबका तबीयत ठीक है? उड़ीसा का तो क्लाइमेट 15 डेज के अंदर ही कुछ ना कुछ हो जाता है, लो प्रेशर या साइक्लोन का इफेक्ट ऐसे चलता रहता है, वेदर इतना अच्छा नहीं रहता है। इधर एक फ्लाईओवर भी बन रहा है, वो बनने के बाद थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाएगा। ये साइड में देखिए, सब गवर्नमेंट सब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है। ये फ्लाईओवर बनना बहुत ही ज़रूरी है, कब तक ख़त्म होगा पता नहीं, हमेशा इधर ही ट्रैफिक लगा रहता है। ट्रैफिक था, फाइनली अभी ट्रैफिक थोड़ा क्लियर हुआ है, हम लोग जा रहे हैं। ये रोड भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा साफ सफाई है। वेजिटेबल मार्केट कर लिए और रिलायंस फ्रेश से कुछ ख़रीदना था, ग्रोसरी वो भी ख़रीद लिए। उसके बाद अभी लंच के लिए आए हैं, हस्बैंड का ऑफिस काम भी पेंडिंग होके पड़ा है, वो फ़ोन कॉल आ रहा है। खाने के बाद हम लोग फिर वापस घर चले जाएंगे। हम लोग भुवनेश्वर में ज़्यादातर एक ही होटल बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए, स्पेशली लंच। आप लोग जानते होंगे मेरे पहले वाला ब्लॉग में भी वही होटल में आए थे, और भी बहुत बार आए हैं। ओडिशा होटल, ऑथेंटिक ओडिया फूड यहाँ पर मिलता है।